Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है जो लास्ट वाले जो लेक्चर था उसी में आना चाहिए था, लेकिन टाइम की वजह से हम नहीं कर पाए थे. दैट्स प्रोसेस ऑफ स्पीड. Now, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोसेस ऑफ स्पीड क्या होती है, आप कह सकते हो दैट प्रोसेस ऑफ स्पीड मतलब जो प्रोसेसर है या सीपीयू है वो कितना तेज है. एंड ये ठीक डेफिनेशन है, दिस द राइट डेफिनेशन की प्रोसेस ऑफ स्पीड का मतलब है कि प्रोसेसर कितना तेज है, सीपीयू कितना तेज है. इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए कि प्रोसेसर के अंदर एक क्लॉक होती है. एक क्लॉक होती है, वो क्लॉक ये वाली क्लॉक नहीं होती जो आपके घर में होती है. बेसिकली उसमें क्या होता है कि वो क्लॉक जो होती है वो रेगुलरली इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करती है. ठीक है, उसके अंदर एक क्लॉक होती है जो रेगुलरली इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करती है. इलेक्ट्रिकल पल्स मतलब आप मानो कि हर सेकंड के अंदर, आज की जो कंप्यूटर्स होते हैं एक सेकंड के अंदर मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती है, और वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद जनरेट होती है. और जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस उसमें जनरेट होती है उनको हम क्लॉक साइकिल्स कहते हैं. तो जो यहाँ पे हमने समझा वो ये है कि सीपीयू के अंदर, हर एक सीपीयू के अंदर एक क्लॉक होती है, बिल्ट इन क्लॉक होती है, और वो क्लॉक जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करती है, जिनको हम क्लॉक साइकिल्स कहते हैं. अब यहाँ पे अगर आप एक चीज समझोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीपीयू है, अगर कोई सीपीयू है जिसकी क्लॉक एक सेकंड के अंदर समझने के लिए 100 क्लॉक पल्सेस जनरेट करती है, एक सेकंड के अंदर 100 क्लॉक पल्सेस जनरेट करती है, दूसरा सीपीयू है जिसकी क्लॉक एक सेकेंड के अंदर 200 क्लॉक पल्सेस जनरेट करती है, तो अगर हम इन दोनों में से देखें तो ये वाली जो है, ये सीपीयू जो है जिसकी क्लॉक साइकिल 200 साइकिल्स पर सेकंड है, ये इन दोनों में से फास्टर है. और हम कह सकते हैं कि ये पहले वाले सीपीयू से दुगना फास्ट है, इट्स ट्वाइस एज फास्ट एज द फर्स्ट वन. अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कोई भी काम करने के लिए अंदर से ऑपरेशंस होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, और एक ऑपरेशन को करने के लिए एक क्लॉक साइकिल लगती है, एक क्लॉक साइकिल लगती है. तो अब अगर कोई काम है जिसमें, फॉर एग्जांपल, जिसमें 400 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो इस पहले वाले सीपीयू में एक सेकंड के अंदर 100 क्लॉक साइकिल्स हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर 100 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और 400 करने के लिए उसको 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन दूसरे सीपीयू में उसको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे. तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरा सीपीयू जो है वो फास्टर है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन. हम कह सकते हैं कि जितना क्लॉक साइकिल शॉर्टर होगा, क्लॉक साइकिल शॉर्टर होगा उतना सीपीयू फास्टर होगा. और यूजुअली क्लॉक स्पीड जो है वो मेजर की जाती है मेगाहर्ट्ज में. मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10^6 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब 1,000,000 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब आज की डेट में, या गीगाहर्ट्ज में दैट्स 10^9 साइकिल्स पर सेकेंड. आज की डेट में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो क्लॉक होती है उसमें एक सेकंड के अंदर 10^9 से भी ज्यादा ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म हो सकते हैं. अगर समझ नहीं आया तो आप इतना याद रखो कि सीपीयू के अंदर क्लॉक होती है, क्लॉक इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करती है, हर एक इलेक्ट्रिकल पल्स को हम क्लॉक साइकिल कहते हैं, जितना फास्ट सीपीयू होगा उतने ज्यादा क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड जनरेट होते हैं, और इसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज आप मान सकते हैं सबसे बेसिक यूनिट है, लेकिन क्लॉक स्पीड उसको हम कहते हैं. ठीक है, लेकिन आज के जो सीपीयूज हैं वो इतने फास्ट है कि हमें मेगा या गीगा हर्ट्ज में मेजर करने की जरूरत पड़ती है. तो दिस इज योर सीपीयू स्पीड. देन यहाँ पे और एक चीज है जिसके ऊपर आई डोंट नो एग्जैक्टली JSA और
इसी के पेपर में एक सीबीटी पेपर था जिसमें मुझे याद है ये पूछा गया था कि सीपीयू जो होते हैं उनके सीपीयू को बनाने के अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं, अलग अलग आप मान सकते हो अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें कुछ तीन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपको जो आपको पढ़ने नहीं है, बस आपको उनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। उसमें से उस पेपर में उन्होंने फुल फॉर्म ही पूछा था। वन इज सिस्क, रिस्क एंड एपिक। सिस्क की फुल फॉर्म है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और मोस्टली जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें ये आर्किटेक्चर सीपीयू का यूज होता है। देन देयर इज रिस्क, दैट इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और ये मोस्टली वर्क स्टेशन मतलब जो प्रोफेशनल कंप्यूटर्स होते हैं, प्रोफेशनल यूजर्स होते हैं, उन जिसमें मेमोरी साइज ज्यादा होता है, सीपीयू अच्छा होता है, उनमें यूजुअली रिस्क यूज होता है। और एपिक, एपिक इज एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ये हाई एंड सर्वर बड़े बड़े सर्वर्स में यूज होता है। तो इनमें आपको बस याद रखनी है इनकी फुल फॉर्म, सिस्क, रिस्क एंड एपिक, क्योंकि आई डोंट नो एग्जैक्टली, शायद सिस्क पूछा हुआ था उन्होंने। सिस्क की फुल फॉर्म है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड एपिक इज एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। देन वी हैव द रजिस्टर्स। अब सीपीयू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सीपीयू में आपको याद रखना है कि सीपीयू के अंदर वी हैव द कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड द रजिस्टर्स, ये तीन कॉम्पोनेंट्स हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं। प्लीज एक्सप्लेन द शॉर्टर साइकिल फास्टर स्पीड अगेन। ओके ओके ओके, लेट मी गो बैक। Shorter the cycle, faster the speed. Look, समझने के लिए आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे एक I'll make a scale. One second, let me raise this one. ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड है, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट्स वन सेकेंड, इट्स वन सेकेंड। दूसरा एक CPU है, उसमें ये 1 सेकेंड है, ठीक है, दिस इज 1 सेकेंड और ये भी 1 सेकेंड ही है। नाउ हेयर अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं अगर कहता हूं कि मैंने कहा कि क्लॉक साइकिल्स होता है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने क्लॉक पल्सेस जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला सीपीयू 1, 2, 3 एंड 4, अगर ये सीपीयू 1 सेकेंड के अंदर 4 साइकिल्स प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे 4 क्लॉक साइकिल्स है 1 सेकेंड के अंदर। लेकिन दूसरा वाला है जो 1 ही सेकंड के अंदर 8 क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है, 4, 5, 6, 7 एंड 8। नाउ इन दोनों में से आप बोलो कि किस में शॉर्टर क्लॉक साइकिल है। शॉर्टर क्लॉक साइकिल इस वाले में है, इसमें शॉर्टर क्लॉक साइकिल है, मतलब ये जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि एक ऑपरेशन को, एक बेसिक ऑपरेशन को 1 क्लॉक साइकिल लगती है। तो जितना छोटा क्लॉक साइकिल होगा उतना कम टाइम लगेगा एक बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, तो उतनी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जितने कम टाइम में ऑपरेशन होगा उतना सीपीयू आपका फास्ट होगा।